फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज संडे है। संडे मींस फन डे, फुल रेस्ट डे। और आज सुबह तो मेरा ब्रेकफास्ट साफ हो गया है, चाय फाय भी हो गया, बच्चों का दूध, सारा काम फिनिश। अभी बस हबी हबी जी हबी जी हाय करिए। मैं कब कैमरा पकड़ लेती हूँ ना, वो कंफ्यूज हो जाते कि मैं सच में उनको बुला रही हूँ ना ऐसे बड़बड़ा रही हूँ। तो आज अभी बैठ के हम लोग थोड़ा ऐसे टीवी देख रहे और बच्चों उनके रूम में बैठ के थोड़ा आज पढ़ाई कर रहे, क्योंकि आज कल वो शाम को पढ़ाई नहीं किए थे लोग ने, मूवी देख रहे थे हम लोग। तो फिर खाना पाना खा के वो लोग अपने थोड़ा बहुत खेले, तो आज हमने उनको बोला आज अभी पढ़ाई कर लो, फिर आज भी इवनिंग को नहीं पढ़ाई करना, क्योंकि आज उन बोल रहे कि सारे दोनों बच्चे बोल सारे बच्चे बोल रहे, जैसे कि मेरे एक दो डजन बच्चे हैं, दो बच्चे मेरी अपनी खुद की दो बच्चे बोल रहे कि मम्मा पापा आज हम मिलकर गेम खेलेंगे। तो हाँ, अभी कार्स या लूडो स्नेक एंड लैडर ये सब खेलते रहते हैं, और उन लोगों को हम लोगों के साथ खेलने में मजा थोड़ा आता है, क्योंकि और तो कोई नहीं है, वो दो और हम दो, बस चारों मिलकर खेलेंगे, तो शाम को खेलेंगे। इसलिए मैंने हबी और मैं बोली अभी पढ़ाई करो, उसके बाद शाम को खेलेंगे, अच्छे से खेलेंगे। और दिखा देती हूँ बच्चे क्या करे, इधर हबी तो बैठे ही न्यूज देख रहे हैं, उनका बस मतलब दिन में फ्री रहते हैं तो न्यूज ही देखते हैं, क्योंकि आजकल देखना भी चाहिए। और ये रे मेरे दो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, वो तो छोटा तो आज उसको मतलब 5 मिनट बैठता है बोलते मम्मा पापा ब्रेक चाहिए, उसको कितना ब्रेक चाहिए, और टीवी देख जब देखता है 2-2 घंटा 3-3 घंटा भी देख लेगा तो ब्रेक नहीं चाहिए। पढ़ाई करने के लिए जैसे बैठेगा, मम्मा ब्रेक चाहिए 5 मिनट हो गया, मम्मा ब्रेक चाहिए 10 मिनट हो गगया है ना बाबू, ये शैतान बच्चा है, शैतान बच्चा, नटी बॉय। पढ़ाई करो, अब टेबल्स लिख रहा है, आज बोला है 2 से 17 तक मुझे लिखा के लिख के दे। हाँ 17 के, अब कितने 12 का, आप कहाँ तक गया तेरा टेबल, 2 to 12 नहीं 2 to 16 नहीं तो 17 लग बस। अरे ये मेरी गुड गर्ल है, ये तो पढ़ाई कर लेती, ये गुड गर्ल मेरी, गुड बच्ची वो नटी बॉय। और आज बेटी भी बोली मैं आज नीचे बैठकर पढ़ाई करूंगी, उसका टेबल में बैठ बैठ के बोर हो गया। और ये भी इधर ही दीदी के रूम में पढ़ाई करेगा, अच्छा इधर, क्योंकि इधर थोड़ा बाहर थोड़ा वेंटिलेशन, चारों मेरे तो घर में चारों जगह में वेंटिलेशन है, पर इधर से थोड़ा उनका अच्छा लगता है बैठना। ओके अच्छा से लिख लो जल्दी जल्दी, अरे अभी कुछ ब्रेक नहीं चाहिए, ठीक है मैं डोर बंद कर देती हूँ, उनको डिस्टर्ब होगा नहीं तो मैं आकर चेक करूंगी, बब्बू चेक करूंगी मैं आकर। और आज मैं ये बेड का बेडशीट भी चेंज कर दी हूँ और ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, वो मेरा बेड का जो गद्दा होता है उसका मैं कवर भी डाल दिया है, और थोड़ा सा वो जो ऑर्डर रहता है थोड़ा सा फ्रेशनेस लगेगा, और मैं विंडो भी ओपन कर दिया तो थोड़ा अच्छा लगेगा करके, थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटा 4 घंटा के बाद मैं इसमें बेडशीट डालूंगी। और चलिए चलते हैं किचन में, मेरी फेवरेट प्लेस, ऑल टाइम फेवरेट, ज्यादातर आप तो मुझे मेरी ब्लॉग में किचन में ही मिलेंगे। और मैं कर देती हूँ लाइट ऑन, लाइट तो आ रहा है पर थोड़ा कैमरा के लिए लाइट चाहिए थोड़ा। यस, अब दूध का कप और ये चाय का कप मैं धोई नहीं धोऊंगी। और ये ला दी है फिश, आज रोहू फिश ही लाए, ज्यादातर हमारा ये रोहू फिश ही आता है, क्लीन करूंगी अभी रोहू फिश को। और आज साग भी लेकर आए थे, साग को मैं धोकर सुबह ही लेकर आ गए थे, साग को धोकर ऐसे सुखाने के लिए रख दिया हुई थे। और ये आज मैं वो चिमनी का बहुत ऑयल हो गया था उसको भिगोई हूँ थोड़ी, वो रात को ही क्लीन होगा, पूरा ऐसे भिगो के रखूंगी और थोड़ी डिटर्जेंट भी दूंगी इसके साथ। और क्या, चलिए फिर मैं फिश क्लीन करके मिलती हूँ आपके साथ। और आज खाने में क्या बनाऊंगा डिसाइड नहीं हुआ है, राइस बनेगा और सोच रही हूँ मसूर का दाल बना लूँ पतला वाला, क्या पूछती हूँ मैं हबी से, डिसाइड करती हूँ। वो ना आज ना वेजिटेबल को एक सरसों का पेस्ट देके बना लेते, थोड़ा सा ऐसे राई की तरह सूखा बना देते, हमारा एक उड़िया में होता है हम क्या बोलते उसको, राई बोलते, सरसों बटा देकर सरसों का जो पेस्ट होता है उसको देकर हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा बनाऊंगी क्योंकि सुबह में ही लंच में ही अच्छा लगता है, डिनर में अच्छा नहीं लगता है उसका। वो जो साग का सूखा मैंगो डालोगे, टमाटर डालोगे, टमाटर डालते ना डालो भी तो होगा, टमाटर डालती हूँ एक डाल दूंगी उसमें, सूखा नहीं वो पतला नहीं बनेगा ना, वो थोड़ा सा मोटा बनेगा, वो जो नहीं ग्रेवी नहीं, राई थिक, हाँ ठीक बोला, ये कंफ्यूज होती है राई और वो हमारा होता है बेसन,
ओडिया में हम बेसर भी बनाते हैं, वो सरसों का पेस्ट में पूरा पतला वाला एक होता है। वो जो साग लेकर आए उसका जो स्टेम है वो बहुत अच्छा है और मोटा भी है और टेस्ट लगता है। वो पर्टिकुलर ये साग का ना वो बनता है सब्जी उसका, वो जो साग का पत्ता को तो साग बन मतलब साग बना दूंगी, वो जो साग का स्टेम में दो छोटा छोटा पटाटो और एक टमाटो और दो तीन ब्रिंजल देकर बनाते बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ अगर थोड़ा सा बोड़ और दाल का बड़ी होता ना, आहा क्या बात होता, इतना अच्छा लगता। उड़द दाल बड़ी तो नहीं है इस साल, मम्मी के पास भी नहीं गई। फिर चलिए आज बनाते हैं फिश फ्राई, दाल मसूर का दाल बना लू, पतला सा एक मसूर का दाल। और आज का लंच का मेनू फिर डिसाइड हो गया हमारा, आज का लंच का मेनू है राइस और दाल, पतला सा मसूर का दाल बनाऊंगी आज। और वो जो साग का स्टेम और पटाटो वो सब देकर एक राई बोलते है वो उड़िया डिश से, क्योंकि मेरे चैनल पे तब ज्यादा तो उड़िया डिश ही मिलेगा आपको, क्योंकि मैं देसी हूँ भाई, देसी खाना मुझे बहुत पसंद है। और हम दोनों मेरे बच्चे भी देसी विदेशी बच्चे तो दोनों खाते, पर हम क्या पति पत्नी दोनों को देसी खाना बहुत पसंद है, देसी है हम फुल देसी। तो मैं बात करने के लिए बैठती हूँ कैमरा को लेकर, तो कितने कहाँ का बात कहाँ लेकर मैं छोड़ती हूँ, वहां से फिर घूम घूम के फिर यहाँ आने में पूरा टाइम चला जाता है। आज ना इतने ही टॉपिक में एक ब्लॉग बन जाएगा अगर मैं छोड़ दूँ तो, देखो 14-15 मिनट का हो गया ऑलरेडी। चलो फिर मिलते हैं लंच के बाद, अभी फिश क्लीन करने के लिए जाऊंगी। फिश क्लीन करना देखना है आपको, कितने बार देखोगे, आपको तो मेरे घर में शायद 7 डेज में 3 डेज तो फिश ही मिलेगा शायद, और 2 दिन चिकन मिलेगा एक दिन ताजा वाला एक दिन बासी वाला। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं जब मैं जाऊंगी किचन में। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. ମାଗିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ କରିବୁ ସେ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ
ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରେୟର ପଛରେ ପଛରେ ନାଇଁ ବେଶୀ ପଛରେ ତ ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନେ ପିଠି ଗୋଟେ କୋଶି କୋଶିକି ପଳେଇବେ ପଛରେ ନାଇଁ ମାନେ ମଝିରେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଆଗେ ମିଟି ମିଟି କରିକି ହସ୍ତି ଆଉ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଜାଗା ନାମ ପଛ ହସ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗ ଜାଗା ବି ଦେଖିଲେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ମଝି ମୁଁ ସେ ଏବେ କେତେ ଶାଗ ଖାଉଛ କୁହ କିଏ ଆସିବ ମୋ ଘରୁ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହ ମୁଁ ଦେବି ତାକୁ ଶାଗ ତ ଶାଗ କୁଣ୍ଟିଲା ତ ଶାଗ दुनिया भर का जितना साग है डाल के बना के तुमको एक इतना बड़ा पतीला में दे दूंगी साग कितना भी उनको दो ना बोलते इतना ही हो गया इतना ही हो गया हाजली इतना बड़ा बड़ा दो बंडल में बनाऊंगी अब फिर भी बोली इतना ही हो गया तो बचपन का बात स्कूल टाइम का बात हमें ये साग क्लीन करते करते याद आ गया तो वही बात हम लोग कर रहे थे कि जब हम लोग स्कूल में थे तब हम जैसे ये इनको तो पता नहीं मैं तो इतना नटी मतलब शरारत का नंबर वन में मैं ही थी और अभी जो पता जो चल रहे अब और जो जो मेरी स्कूल कॉलेज फ्रेंड है वो सब मुझे कमेंट करो कि मैं कितना नटी थी और ये आया नटी बाबा और ये नटी मम्मी नंबर टू नटी टू मुझसे थोड़ा कमी है ये जितना मैं नटी थी और वही जो जैसे प्रेयर होता था सेम एक दो प्रेयर होता था उतना मैं इतना मतलब इतना बोर पक गई थी कि वो प्रेयर था आये दया माय विश्व बिहारी और मैं उसका पूरा मोडिफाई करके मैं क्या ज्यादातर स्टूडेंट जैसे हम लोग जैसे नटखट स्टूडेंट सब हम लोग उसको इतना अच्छा से एक क्या पोएम कर दिए थे प्रेयर कर दिए थे आये दया माय विश्व बिहारी तमो बारी पोटे सागो कियारी तमे सागो कुंडी कुंडी खाऊचो मागिले टिकिए दो ना तो यही बात यही गाना हमें याद आ गया था हम लोग इतना हंस रहे थे और वो पल को इतना एंजॉय कर रहे थे आज पूरा मैं जैसे स्टाइल में बैठ गई ये सब कटिंग चॉपिंग करने के लिए आज ये साग होता है ना जो साग का स्टेम होता है इसको नाइफ से ज्यादा अच्छा इससे कटिंग होगा नाइफ पे भी होगा पर इससे अच्छा लगता है और ये साग को मैं नाइफ में करूंगी इसमें करूंगी देखती हूँ इसको इतना जो है ये पूरा छोटा छोटा करके ज्यादा छोटा ना इतना बड़ा बड़ा करके 1-2 इंच में कट करके ब्रिंजल और पटाटो डाल के वो एक सब्जी बनाऊंगी ये पूरा ऑथेंटिक ओडिया रेसिपी है ये आज मैं शेयर करूंगी संडे के दिन आप देखना तो ये सब हर साग में नहीं होता ये जो मोटा वाला साग होता है इसको क्या मालूम नहीं इसका स्टेम इतना बड़ा बड़ा होता है मोटा मोटा इसको हम लोग शायद खड़ा साग बोलते हैं शायद पर इधर क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं ये साग का स्टेम में ये बहुत अच्छा लगता है अब इसको बनाऊंगी इसलिए पूरा मैं देसी स्टाइल में बैठ गई हूँ कटिंग करने के लिए वेस्टर्न आउटफिट में देसी कटिंग चलेगा हमारा एक बार मैं धोया हूँ पर एक दो बार और अच्छे से मैं धोऊंगी हम बनाएंगे साग स्टेम का करी ये सरसों पेस्ट देकर बनाना होता है इसके लिए चाहिए बैंगन ऐसे वाला हमने बड़ा बड़ा काट दिया है और ये पटाटो और ये साग का स्टेम सरसों पेस्ट सरसों में थोड़ा सरसों मस्टर्ड जो होता है मस्टर्ड थोड़ा 2-3 चिल्ली 2-3 लहसुन का कलिया डालकर और फोड़न में चाहिए हमें ये 5 फोड़न चाहिए 5 फोड़न के साथ ड्राई रेड चिली थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी और रेड चिली पाउडर और हम ये पूरा डिश को हम बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में तो चलिए बनाते हैं इसको बोलते हैं मिक्स वेजिटेबल राई ये डिश का नाम है और देखिए कैसे बनता है ये कढ़ाई गर्म हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल
तेल गर्म होने के बाद हम डालेंगे ये पंच फोड़न और ये ड्राई रेड चिली, इसके बाद थोड़ा सा हींग। अब इसमें डालेंगे हम ये कटा हुआ आलू, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ये बैंगन, कटा हुआ बैंगन भी डाल देंगे, डाल के थोड़ी देर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर हम लोग ढक के पकाएंगे इसको। अब हम इसमें ये साग का स्टेम डाल देंगे, थोड़ी देर हम ढक के इसको पकाएंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक डाल के थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर अब इसमें हल्दी पाउडर और चिल्ली पाउडर दोनों डाल देंगे एक साथ, डाल के फिर से थोड़ी देर हम लोग फ्राई करेंगे। अब इसको ढक के थोड़ी देर हम लोग पकाएंगे। सब्जी थोड़ा फ्राई हो चुका है, ये स्टेज में हम डालेंगे ये जो मैं सरसों पेस्ट करके रखी थी, इसमें सरसों, लहसुन और थोड़ा सा जीरा और दो तीन रेड चिली को देखकर मैं थोड़ा पेस्ट कर दी थी, इसे थोड़ा पानी करके हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। हम अब इसको थोड़ा सा और भुनेंगे, ज्यादा देर नहीं भुनना है क्योंकि सरसों का पेस्ट है, जिस सब्जी में सरसों का पेस्ट पड़ता है उसको थोड़ा कम ही भुना जाता है। अब इसमें मैं एक कटोरी पानी दे दूंगी, बस इसमें एक कटोरी ही पानी देना है, ज्यादा पानी नहीं देना है, बस सब्जी पक जाए हमें इतना ही चाहिए, क्योंकि ये सब्जी जो है ये सूखा ही बनेगा, इसलिए थोड़ा कम ही पानी देंगे। अच्छा पानी, ज्यादा पानी देंगे तो ये टेस्ट नहीं लगेगा इतना। अब इसको हम ढक देंगे, ये थोड़ी देर 10 मिनट में ही ये हो जाएगा सब्जी। अब इसमें एक टमाटर डाल देंगे, ज्यादा खट्टा नहीं करेंगे, एक टमाटर डाल के थोड़ा सा सब्जी को ऐसे मिक्स करके। बस अब इसको ढक देंगे, 10 मिनट में ये बन जाएगा। बस हो गया हमारा वेजिटेबल राई, ये इसको बोलते मिक्स वेजिटेबल राई। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। अब इसमें थोड़ा धनिया पत्ता ऊपर से दे देंगे गार्निशिंग के लिए। बस रेडी हो गया हमारा राई, और ये ओडिया ऑथेंटिक डिश है, और आप जरूर ये डिश को ट्राई कीजिए, बनाइए ये रेसिपी को, ये बहुत अच्छा लगता है, और ये आप व्हाइट राइस के साथ खाइए, इतना मजेदार बनता है ये रेसिपी, आप एक बार जरूर ट्राई करिए, और ये अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट और लाइक कीजिए। करती मैं, आजो बाबू गुड्डू मामून, चलो हैंडल्स करो हैंडल्स करो हैंडल्स करो, आजो 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 मामून आजो। आज देखो पूरा देसी स्टाइल में बनाई हूँ खाना, आज पूरा देसी स्टाइल हमारा है, संडे का देसी स्टाइल लंच ना, लंच संडे देसी स्टाइल लंच। आज तो हबी का मन बहुत खुश हो रहा है, सोच रहे कितना खाऊ मैं, यही सोच रहे हो ना? हाँ।
हाँ पूरा खा लोगे? पूरा साफ कर लोगे आज? ये तुम्हारा पूरा ना साग वाला? हाँ सब मसूर दाल भी पतला सब बनाया, तुम्हारा पसंद है ना पतला मसूर दाल? पर ज्यादा ही कुछ पतला हो गया। चलो ठीक है, आज एक आज पूरा देसी स्टाइल में खाएंगे ना। और ये मेरे चुन्नू मुन्नू दोनों आ गए, चुन्नू तो रेडी हो गया खाने के लिए ना। चुन्नू 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 चुन्नू, चलो अब मैं भी थोड़ा कैमरा के सामने आ जाती हूँ। जल्दी शुरू करते, आज मुझे ज्यादा भूख लग गया है। देखो कैसा हुआ है आज का हीरो का डिश, आज का क्या ऑथेंटिक जो डिश है कैसा हुआ है? वाह, तुम्हारे हाथ को चाट जाओ। अभी तक मैं फिश खाई नहीं हूँ इसलिए चाट दिया। आज बोलो ना, सच में अच्छा हुआ? अच्छा ना? अच्छा, रियली अच्छा हुआ है। और आधा मुंह पे ही गया है, पेट में नहीं गया? वाह क्या अच्छा रिएक्शन। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, टेस्टी हुआ। और ये साग भजन रुको खाने दो। ओके खाओ मतलब ना। चल अभी मैं भी खाती हूँ, मुंह बंद करके। चल अभी मैं भी खा के थोड़ा देखती हूँ कैसे भाई। तुम्हारा रिएक्शन बताओ, मेरा रिएक्शन देखो देखो। क्या बना दिया ये, मैं क्या बना दिया ये तो। आज तो मैं फिश नहीं खाऊंगी, इसको ही खा लूंगी। वाह ऐसे दिया जाता है रिएक्शन, है ना? और क्या ये लिया मुंह में देखो, यम्मी यम्मी, ऐसे कौन बना बोलता है, ऐसे बोलना है। सच में बहुत अच्छा हुआ है, आप ये जरूर ट्राई कीजिए। इसका सब्जी इतना टेस्टी, थोड़ा सा सरसों का पेस्ट देकर आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। जैसे ये भी उंगलियां चाटेंगे देखो, खाने के बाद प्लेट भी चाट लेंगे। आज मुझे क्लीन करने नहीं पड़ेगा, ये देखो चाट लेंगे। सच में बहुत अच्छा हुआ है। अब हम थोड़ा खाना खा लेती हूँ, ये तो खा रहे, मैं थोड़ा खाना खा लेती हूँ। और आज फिश फ्राई भी बनाया है। आज प्योर देसी स्टाइल का खाना हमारा हो रहा है ना, ओडिया देसी स्टाइल। बस एक साड़ी, कॉटन साड़ी पहन लेती ना मैं, पूरा आज ओडिया ओडिया घर की देसी बो लगती ना क्या। बहुत अच्छा, मस्त हुआ, मस्त। संडे को ऐसा ही खाना होना। ये देखो ये कैसे चाट के खा रहे, देखो आज बोला था चाट के खाएंगे। देखा पानी पी लो, बस अब पूरा चाट लिया। बाकी ये दो तीन हरी मिर्च जो है वो मुझे दे दो आज को, ये तो फिर शायद साफ करने का जरूरत नहीं है, सही रख दूंगी, कल इसमें दे दूंगी तुमको खाना, ठीक है? अच्छा था आज का पेट, पेट को देखा वाह। जाओ अभी दो तीन घंटे अच्छे से लेट जाओ, मगरमच्छ की तरह पैर ऊपर करके, मगरमच्छ की तरह। आज रात को डिनर खाओगे ना नहीं खाओगे? आज डिनर छुट्टी है, ये तो दो घंटे में, दो घंटे के। अच्छा रियली? स्नैक्स चाहिए? शाम को दूंगी ना स्नैक्स, लेमन वाटर। जल्दी दूंगी बेबी, जल्दी बेबी, जल्दी दे दूंगी, जल्दी पीना, जल्दी जल्दी हाँ जल्दी। बनिया रहा है, बाप रे देखो कितना जोर से आज बारिश, मुझे लग रहा है ये बारिश कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। तुम डूब जाओगे, तुम डूब जाओगे। मामा तेरे ग्लास, तेरे रूम का ग्लास क्लोज करना, क्लोज किया? ओके। बहुत जोर से बारिश हो रही है, बहुत जोर से। ओह नो।
मेरे पास कुछ नहीं ये हम अभी एंजॉय कर रहे हैं हमारा संडे का इवनिंग। अब 4:30 हो रहा है, अब 6 o'clock तक हम लोग 5:30 तक हम लोग खेलेंगे। बच्चे को भी थोड़ा टाइम चाहिए, बच्चे को भी उनको थोड़ा क्वालिटी टाइम हम लोग दे रहे हैं। अच्छा फिर चलिए, ओके फिर चलिए, बाबू साइड हो जा बाबू, ओके फिर चलिए रहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, सो बाय करो बाय करो बाय करो बाय बाय।